हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नए कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस किया गया है, डीसी सर्किट्स। आज हम लोग इस सेशन में आपको डीसी सर्किट में क्या क्या पढ़ना है, इस कोर्स का इम्पोर्टेंस क्या है और हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे क्लासरूम में, उसकी चर्चा यहाँ पे करेंगे। विच टाइप ऑफ पावर सप्लाई यू यू आर यूजिंग एट योर होम? आप अपने घरों पे किस प्रकार के पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं? इसका आंसर आपको एक कॉमन मैन की तरह से पता होना चाहिए। और आप लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लिया है तो एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इसका पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग इसको याद रखिए, हम सभी के घरों में एसी सप्लाई आता है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और हमारा सप्लाई ज़्यादातर केसेस में सिंगल फेज होता है। जहाँ तक हमारा जो इलेक्ट्रिकल लोड है वो कुछ लिमिट से ज़्यादा बढ़ता नहीं है, 6 किलोवाट से ज़्यादा अगर नहीं है तो वी आर यूजिंग सिंगल फेज। हमारा सप्लाई वोल्टेज सिंगल फेज के केस में 230 वोल्ट रहता है और हमारा सप्लाई है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है। तो ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि हम किस प्रकार के पावर सप्लाई का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हमारी जो पावर कंपनी है, GEB है, टॉरेंट है, वो हमको किस प्रकार का पावर दे रही है। तो वी आर यूजिंग AC सप्लाई सिंगल फेज 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। ये अपना एक जनरल वेवफॉर्म है जिसको हम लोग साइकिल कहते हैं। आप देख रहे हो ये जो आपको वेवफॉर्म दिख रहा है ये अल्टरनेटिंग बाय नेचर है, तो इसीलिए इसे अल्टरनेटिंग सप्लाई कहा जाता है, जिसका आइडिया निकोला टेस्ला ने दिया था। हैव यू हर्ड अबाउट डीसी सप्लाई? क्या आप लोगों ने डीसी सप्लाई के बारे में सुना हुआ है? क्या आप उसको अपने घरों पे यूज कर रहे हैं? आर यू यूजिंग इट एट योर होम? आपके घरों पे उसको यूज कर रहे हैं? ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, ये डीसी सप्लाई का आप कह सकते हो प्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि कंटिन्यूस रहता है मैग्नीट्यूड। तो ये कंटिन्यूस मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे कोई भी आपको साइकिल ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये अल्टरनेटिंग सप्लाई के अलावा जो अल्टरनेटिंग में हम देखते हैं पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ रहता है, यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट पॉजिटिव मैग्नीट्यूड मिल रहा है, जो जहाँ तक सप्लाई अवेलेबल होगा वहाँ तक इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। हमारा डीसी सप्लाई जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं करता, उसका सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव जो करंट फ्लो है वो कंटिन्यू रहता है। ये सारे आप एसेसरीज देखिए, हाउस होल्ड इक्विपमेंट देखिए, आप काफी सारा यूज कर रहे हैं और इसमें से काफी सारी चीजें डीसी सप्लाई का यूज कर रही है। काफी सारे में कुछ ऐसी चीज है, बैटरी है तो उसका चार्जिंग है वो डीसी से होगा। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें अगर कोई कनेक्शन अपने वायर है तो इसके साथ एडेप्टर है, एडेप्टर में इंटरनली कुछ ऐसी सर्किट्स होगी जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम लोग 230 वोल्ट एसी सप्लाई यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे जो इक्विपमेंट है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स डीसी सप्लाई यूज़ करते हैं, तो हमको डीसी के बारे में पता होना चाहिए। ये आप रोज सुबह को यूज करते हो, आप देखते हो कि हाँ मोबाइल है ड्रेन हो रहा है तो आप उसको फौरन चार्जिंग में लगाते हो, तो एवरी मोबाइल चार्जर इज हैविंग द इंटरनल सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी इनटू डीसी। आपके हर मोबाइल चार्जर में एक सर्किट होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है। आप यहाँ देखिए, ये मैंने जो कन्वर्ट करने वाली सर्किट है जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं, उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो आप देखिए, ये जो है ये ट्रांसफार्मर है आपका,
और ये जो है चार डायोड, ये रेक्टिफायर यूनिट बोलते हैं इसको। तो और यहाँ पे कैपेसिटर आपको प्योर डीसी के लिए दिया गया है। तो ये सर्किट, ये जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये चार्जर के अंदर होता है। कभी आप अपना पुराना चार्जर खोल के देखिएगा तो आपको इस प्रकार के कुछ अरेंजमेंट मिलेंगे। आप ये लगाते हो 230 वोल्ट 5 एम्पियर के सॉकेट में लगाते हो, लेकिन आपको इंटरनली जो आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी वो डीसी से चार्ज होगी, और आप इसको यूज करते हो, जिसे हम रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। और ये जो दिख रहा है, ये आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको इस प्रकार कुछ ना कुछ अरेंजमेंट दिखेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे जो दिया गया है, ये हमारा मदरबोर्ड मैंने दिया गया है कंप्यूटर का। तो उसके अंदर भी इंटरनली कंप्यूटर में डीसी सप्लाई के लिए अरेंजमेंट होता है, जिसे हम SMPS कहते हैं। तो इसी प्रकार मेरे कहने का मतलब वो है, आपके काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट और काफी सारे डोमेस्टिक इक्विपमेंट जिसे आप घर में यूज कर रहे हो, वो डीसी सप्लाई का यूज करते हैं। तो हम बेसिकली इनडायरेक्टली डीसी सप्लाई का बहुत सारा यूज करते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है, हमको इसको क्यों पढ़ना चाहिए, वाई वी शुड स्टडी डीसी सर्किट्स, हमको डीसी सर्किट्स के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, जरूरी है या नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो करंट इन्वेंट हुआ वो डीसी था, डायरेक्ट करंट था। 1880 में थॉमस अल्वा एडिसन थे, वो बिजनेसमैन थे और साइंटिस्ट भी थे। उन्होंने डीसी पावर सप्लाई सिस्टम एस्टेब्लिश की थी उनकी कंपनी ने, और वो उसको पेटेंट किया गया था, लेकिन कुछ लिमिटेशन थी, हम उसके बारे में कभी बाद में चर्चा करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल थियरीज आर डिराइव फॉर डीसी, काफ़ी सारा जब इन्वेंशन हुआ बल्ब से लेके बाद में बहुत सारा जब डेवलपमेंट हुआ, तो वो सारे डेवलपमेंट में जो कहीं ना कहीं थियरीज डेवलप हो रही थी, वो थियरी डीसी के ऊपर डिपेंड थी। और डीसी से आपका कंसेप्ट सिंपल हो जाता है। आप एसी लोगे तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी का फिनोमिना आएगा, काफ़ी सारे अदर पैरामीटर्स आएंगे। तो डीसी अगर आप लेते हो तो डीसी से आपको जो थियरी है बेसिक समझने में आपको आसानी रहती है। इसीलिए हम लोग डीसी सप्लाई पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे डीसी सर्किट्स, और आप नेक्स्ट सेमिस्टर में पढ़ोगे एसी सर्किट्स। तो आपके जो फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल पढ़ने के लिए, समझने के लिए, उनका रियलाइजेशन करने के लिए आपको डीसी सर्किट्स पढ़ना जरूरी है। दोस्तों, कभी वक्त मिले तो ये दोनों हस्तियों के बारे में पढ़ना। एक है जो फर्स्ट दिख रहे हैं, ये थॉमस अल्वा एडिसन है, और सेकंड वन है निकोला टेस्ला है। आप देख सकते हो थॉमस अल्वा एडिसन एजेड है, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और डीसी सप्लाई का जो बल्ब का इन्वेंशन था, उस इन्वेंशन से लेकर काफी सारे इन्वेंशन उन्होंने किए थे। और निकोला टेस्ला थे, वो इसी थियोरी के लिए जाने जाते हैं, और उनकी करीबन 300 जितनी पेटेंट्स हैं। और इंडक्शन मोटर जो हम काफ़ी सारी अभी यूज कर रहे हैं, वो सारी उन्हीं की देन है। तो बेसिकली हुआ ये था कि ये दोनों साइंटिस्ट थे, और ये दोनों साइंटिस्ट के बीच एक वॉर हुआ था। वॉर कोई फिजिकल वॉर नहीं था, वो एक्चुअली बिजनेस वॉर था, वो खुद के आइडिया को सही साबित करने के लिए वॉर था। आपको कभी वक्त मिले तो इंटरनेट पे कभी सर्च करना द वॉर करंट, द करंट वॉर या वॉर ऑफ द करंट। तो ये आपको मूवी भी मिल जाएगी, और इसकी काफी सारी वीडियोस भी आपको मिलेगी, तो आप जान पाओगे कि किस प्रकार डीसी और एसी को अच्छा साबित करने के लिए दोनों साइंटिस्ट के बीच में कितना कंपटीशन हुआ, काफी सारे लोगों को भुगतना भी पड़ा, और अल्टीमेटली हमको सोसाइटी को, समाज को एक ऐसी थियोरी एस्टेब्लिश मिली जो हम अभी यूज कर रहे हैं। तो कभी वक्त मिले तो यू शुड सी दिस मूवी, आप ये मूवी भी कभी देखना। तो आगे बढ़ते हैं। ये है थॉमस अल्वा एडिसन, ये हमारे डीसी थियोरी के इन्वेंटर है। ये बल्ब का इन्वेंशन किया था। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आपने स्कूल में भी शायद पढ़ा होगा। तो इन्हीं का जो आइडिया है डीसी सर्किट्स का, हम यहाँ पे इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे।
ये इन दिस कोर्स वी विल स्टडी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीसी सर्किट्स टू हैव आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉज एंड थियोरम्स। इस सेमिस्टर में हम क्या करेंगे, हम डीसी सर्किट्स के कुछ बेसिक आइडिया, कुछ बेसिक थियोरम, कुछ बेसिक लॉ है वो पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम कोर्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये जो आप पढ़ रहे हो अभी, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ने नया करिकुलम अभी डिस्प्ले किया है, नया डिजाइन किया है, COGC 21। तो COGC 21 इसको कहते हैं कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आउटकम बेस्ड ग्रीन करिकुलम 2021। COGC कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आउटकम बेस्ड ग्रीन करिकुलम, इसका एक एक वर्ड हम लोग समझते हैं, क्योंकि आप अभी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिया है, तो आप पूरे 6 सेमेस्टर तक इससे जुड़े हुए रहने वाले हो। तो ये सिलेबस को COGC क्यों कहते हैं उसको आपको समझना होगा। फर्स्ट वन है कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी एक्चुअली आपके हर एक कोर्स के लिए एक कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाइड की गई है आपके करिकुलम में। आप जितने भी सब्जेक्ट कहते हो, आप जिसे हम लोग कोर्स कहते हैं, तो जितने भी कोर्सेस आप पढ़ोगे, हर कोर्स के करिकुलम में आपको कॉम्पिटेंसी मिलेगा। वो कॉम्पिटेंसी बेसिकली क्या होता है, वो इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड रिक्वायरमेंट होता है, या इंडस्ट्री डिमांड बोल सकते हो आप। अगर 1 से 6 सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की कॉम्पिटेंसी एनलिस्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा आपको सही में क्या पढ़ाया गया है, और इंडस्ट्री को भी पता चलेगा कि आपको इतनी स्किल आती है। तो कॉम्पिटेंसी बेसिकली इंडस्ट्री जो आपसे चाहती है उसका वन लाइन स्टेटमेंट है, पर सब्जेक्ट वन स्टेटमेंट, पर कोर्स वन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कॉम्पिटेंसी कहते हैं। इट इज इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड कॉम्पिटेंसी फॉर इच कोर्स। इंडस्ट्री है, उसको क्या चाहिए आपसे, आपसे अच्छी मार्कशीट चाहिए या आपसे कुछ स्किल्स चाहिए। तो दैट इज कॉम्पिटेंसी, कि आप हर कोर्स में क्या डेवलप करते हो उसको हम कॉम्पिटेंसी कहेंगे। आउटकम, आउटकम के बारे में बहुत चल रहा है अभी, हम लोग OBE की बात करते हैं, आउटकम बेस्ड एजुकेशन। स्कूल्स में भी काफी सारा इम्प्लीमेंट हुआ है, काफी सारा डेवलपमेंट हुआ है आउटकम बेस्ड एजुकेशन में, और उसी थियोरी को ये लोग, ये जो कॉलेज लेवल पे हम लोग इसको आउटकम बेस्ड एजुकेशन में यूज करते हैं। तो बेसिकली हर कोर्स के लिए हमने हमारे करिकुलम में जो दिए गए हैं 5 to 6 कोर्स आउटकम दिए गए हैं, तो आपको बेसिकली ये कोर्स आउटकम जो है, जनरली आपका पर यूनिट 1 कोर्स आउटकम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, ओवरऑल भी हो सकता है, लेकिन हमारे जो करिकुलम बनते हैं जनरली आपके कोर्सेज में, डिप्लोमा के, आपके GTU के कोर्सेज में, पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कोर्सेज में, आपके लिए पर कोर्स जितने आउटकम होते हैं, तो पर यूनिट 1 आउटकम आपको मैप कर सकते हो आप लोग। तो कोर्स आउटकम माने कि एक कोर्स खत्म होने के बाद आप क्या कर पाओगे, स्टूडेंट विल बी एबल टू एग्जीक्यूट फॉलोइंग एक्टिविटीज, उसको हम कोर्स आउटकम कहते हैं। ग्रीन करिकुलम, अभी CO हो गया, C माने कॉम्पिटेंसी, O माने आउटकम हो गया, GC माने ग्रीन करिकुलम। तो ग्रीन करिकुलम अभी हमको पता है कि हम लोग काफ़ी सारे एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेस ढूंढते हैं। अभी हमको रिसेंटली जो कोल शॉर्टेज का आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, TV में देखा होगा, तो हमको एनर्जी के लिए अल्टरनेट जो रिसोर्सेज है उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। तो उसी की शुरुआत के तहत हमारी GTU ने इस साल जो नए कोर्सेस आ रहे हैं उसमें पर कोर्स एक या दो फंडामेंटल एक दो कंसेप्ट है जो ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड रखे हुए हैं, जिससे आपको रियलाइज हो कि ग्रीन एनर्जी का इम्पोर्टेंस क्या है। ये आपको अफेक्टिव डोमेन में, इसका मतलब आपके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए ये टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड टॉपिक्स इन ईच कोर्स विथ एम टू डेवलप अफेक्टिव डोमेन आउटकम एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको अपने समाज के प्रति एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होना चाहिए। तो आपका एनवायरमेंट रिलेटेड जो टॉपिक है, तो आप पढ़ोगे हर कोर्स में एक बार, दैट मीन्स आप 1 सेमेस्टर में 6 कोर्स पढ़ रहे हो, 6 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो उस हर कोर्स में कुछ टॉपिक्स आएंगे, तो आपको बार बार वो सुनने से आपको रियलाइज होगा कि वी शुड गो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। तो इसी वजह से GTU ने ये ऐड किया है। तो ये है COGC, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड आउटकम बेस्ड ग्रीन करिकुलम। तो आगे बढ़ते हैं,
अभी हमारा जो डीसी सर्किट है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो डीसी सर्किट है, ये जो डीसी सर्किट्स है, तो इसकी एक कंपिटेंसी है जो इंडस्ट्री, मैंने बोला कि इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड नीड या इंडस्ट्री आइडेंटिफाइड स्किल, तो आपके डीसी सर्किट के केस में एक कंपिटेंसी आइडेंटिफाइड की गई है, वो है सॉल्व बेसिक सर्किट प्रॉब्लम्स यूजिंग सर्किट लॉज एंड थियोरम्स। आपका जो सर्किट थियोरम्स और लॉज है, बेसिक लॉ है, उनकी मदद से आप बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व कर पाओगे। आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक सर्किट प्रॉब्लम्स, माने कि आपके आपसे कुछ ज्यादा यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया गया है। डिप्लोमा लेवल पे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको छोटी छोटी सर्किट्स के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करते आना चाहिए। दैट इज इनफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से सिर्फ इतना ही एक्सपेक्टेशन है कि आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर पाओगे, तो वो कॉम्पिटेंसी आपकी डीसी सर्किट की कॉम्पिटेंसी है। अभी हम कोर्स आउटकम की बात करेंगे। कोर्स आउटकम माने स्टूडेंट विल बी एबल टू डू पर्टिकुलर टास्क आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। तो आपके डीसी सर्किट में टोटल 5 कोर्स आउटकम डिजाइन किए गए हैं। आपके 5 यूनिट है, हर कोर्स आउटकम पर यूनिट आप मैप कर सकते हो। हर यूनिट के लिए एक आउटकम है जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। फर्स्ट कोर्स आउटकम है सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूजिंग बेसिक सर्किट लॉज। इसका मतलब स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूजिंग बेसिक सर्किट लॉज। आपका जो पहला कोर्स आउटकम है कि आप सर्किट के बेसिक लॉज है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बिल्कुल बेसिक है, उससे आप सर्किट को सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स एंड एनालिसिस। सेकंड आपका कोर्स आउटकम है कि आपका आप जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट किसकी मदद से? डिफरेंट नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स। नेटवर्क माने आप उसको ऐसा कह सकते हो, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को अगर जोड़ के कुछ बनाया जाए तो उसे नेटवर्क कहेंगे, या कुछ एनालिसिस के करोगे तो आप उसकी मदद से किसी भी नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हो या एनालिसिस कर सकते हो। तो ये सेकंड कोर्स आउटकम है। थर्ड कोर्स आउटकम है स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग नेटवर्क थियोरम्स। आपके नेटवर्क थियोरम्स ऊपर जो है वो नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स है, जो हम वहाँ पे देखेंगे डिटेल सिलेबस अभी थोड़ी देर में देखते हैं। तो नेटवर्क थियोरम्स और नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स दोनों अलग है। तो नेटवर्क थियोरम्स आपके जो है, आपको हम कुछ नेटवर्क थियोरम यहाँ पे बताएंगे तो जिसकी मदद से आप सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट सॉल्व कर पाओगे। फोर्थ कोर्स आउटकम है स्टूडेंट विल बी एबल टू इंटरप्रेट वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के आधारित जो कैपेसिटर है उसका कार्य है वो इंटरप्रेट, उसका मतलब समझ पाओगे, इन कैपेसिटर का वर्किंग समझ पाओगे। तो ये आपका फोर्थ कोर्स आउटकम है। फोर्थ यूनिट आपका कैपेसिटर बेस्ड रहेगा। और फिफ्थ वन है वो मैग्नेटिक सर्किट है। तो फिफ्थ कोर्स आउटकम है इंटरप्रेट वर्किंग ऑफ इंडक्टर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। आपका जो इंडक्टर का वर्किंग है, जो हमको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है इंडक्टर, उसको आप समझ पाओगे। तो ये 5 कोर्स आउटकम है आपके कोर्स के लिए। तो आप देखोगे आगे हर यूनिट के लिए आपका एक कोर्स आउटकम है। आप इसको अपने कॉम्पिटेंसी से मैप करो तो आपका कॉम्पिटेंसी था सॉल्व बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग डिफरेंट लॉज एंड थियोरम्स। तो आप यहाँ पे देखो उसको सेग्रीगेट करके एक बनाया गया, अलग अलग आपको मिलेगा। तो इसका मतलब है ये सारे कोर्स आउटकम अगर आपको आते हो तो आप कॉम्पिटेंसी जो एक्सपेक्टेशन है वहां तक आप पहुंच पाओगे। यूनिट डिटेल्स की हम बात करेंगे। ये आपको ये जहाँ यहाँ पे दिख रहा है यूनिट डिटेल्स है, तो आप देखिए कि टोटल 42 आवर्स है। आपके 5 यूनिट से फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीसी सर्किट्स, 10 आवर्स का क्लासरूम टीचिंग है। और यहाँ पे आप देखिए आर लेवल थियोरी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब ये हुआ थियोरी मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट यूनिट के 15 है, सेकंड के 15 है, थर्ड 15 है, फोर्थ 10 है और फिफ्थ 15 है। टोटल 70 मार्क्स का आपका यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है। इसका मतलब आपका अगर फर्स्ट यूनिट खत्म हुआ
तो 15 मार्क्स का अगर क्वेश्चन निकलता है तो उसमें से 5 मार्क्स का एप्लीकेशन लेवल का होगा, 5 मार्क अंडरस्टैंडिंग लेवल का होगा और 5 मार्क रिमेम्बर लेवल का होगा। ये क्वेश्चन का लेवल है। रिमेम्बर माने आपको सिंपल चीजें जैसे कुछ यूनिट्स है, कुछ डेफिनेशंस है, आप उसको याद रख सकते हो, रिमेम्बर लेवल है। अंडरस्टैंड लेवल है, आप किसी थियोरी को समझ के उसको लिख पाओगे, उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, डिस्क्राइब कर पाओगे, वो अंडरस्टैंड लेवल हुआ। और एप्लीकेशन लेवल माने आप कोई थियोरी को पढ़ के उसको अप्लाई कर पाओगे, वो एप्लीकेशन लेवल हुआ। तो तीनों में फर्क है लेवल में, और तीनों को यहाँ पे बैलेंस रखा गया है। इसी प्रकार हर यूनिट के लिए आप देखिए, सेकंड है नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक, 7 आवर्स का क्लासरूम टीचिंग है, तो वहाँ पे टोटल 15 में से एप्लीकेशन लेवल ज़्यादा है। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि मोस्टली एप्लीकेशन लेवल थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो एप्लीकेशन लेवल फर्स्ट सेमिस्टर है तो बैलेंस रहता है, आप देख रहे हो यहाँ पे तीनों मोस्टली इक्वल कह सकते हो आप, 33% के करीब। तो फर्स्ट सेमिस्टर है इस वजह से ये तीनों इक्वल लेवल है। जैसे भी आप हायर सेम में जाओगे तो एप्लीकेशन लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है देर आर 5 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीसी सर्किट, सेकंड इज नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स, थर्ड वन इज नेटवर्क थियोरम्स, फोर्थ इज कैपेसिटर एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड फिफ्थ वन इज मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो 5 यूनिट है ये हमको पढ़ने हैं, तो हम इसके बारे में डिटेल सिलेबस अभी देखते हैं। अभी हम इसका आपको मैंने 5 यूनिट बता दिए, लेकिन आपकी टीचिंग और एग्जामिनेशन स्कीम किस प्रकार होगी वो उसको हम समझ लेते हैं। मैंने कहा कि आपके पर लेक्चर आएंगे 42 लेक्चर्स हमने देखे, इसका मतलब आपके 14 वीक का टर्म होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 3 की स्कीम है, 3 लेक्चर्स पर वीक, 1 वीक में 3 लेक्चर आएंगे जहाँ पे आपको थियोरी सिखाई जाएगी। ये है ट्यूटोरियल, आपका 1 घंटे का ट्यूटोरियल वीक में रहेगा। तो ट्यूटोरियल में आपको जो थियोरी में हम लोग एग्जाम्पल अगर क्लासरूम में कवर नहीं कर पाते तो प्रैक्टिस के लिए जहाँ पे फैकल्टी अवेलेबल रहेगी आपको प्रैक्टिस करने हैं वहाँ पे एग्जाम्पल्स 1 आवर के लिए, और तो 2 घंटे का प्रैक्टिकल सेशन रहेगा एवरी वीक। यानी 1 वीक में आप देखिए आप 6 घंटे डीसी सर्किट के लिए देने वाले हो, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और इसका क्रेडिट आपका जीटीयू का जो होता है, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम है, आपके एसपीआई जो आते हैं वो क्रेडिट स्कोर से बनते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो लेक्चर का पोर्शन है, थियोरी का पोर्शन है, और प्रैक्टिकल को डिवाइड बाय 2 किया गया है, इसका मतलब 3+1 4 एंड 2/2 1, 4+1 5, ये कोर्स का क्रेडिट 5 है जो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये 5 कोर्स क्रेडिट का कोर्स है आपको, इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरा है थियरी मार्क। अभी यहाँ पे आप देखिए थियरी मार्क्स 30+70 है, प्रैक्टिकल मार्क्स दोनों इक्वल है 25-25। अभी यहाँ पे टोटल ये मिला के 70+30 100, 25+25 50, 150। तो यहाँ पे जो थियरी में सी ए लिखा हुआ है ये कंटिन्यूअस असेसमेंट है। अभी इंटरनल थियरी के मार्क्स में अब तक ऐसा होता था कि आपकी थियरी एग्जाम ही होती थी, लेकिन यहाँ पे आपके लिए जीटीयू ने एक नई बात रखी है, वो देखते हैं हम लोग। ये 30 मार्क्स को 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 10 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स। ये जो 10 मार्क्स है ये माइक्रो प्रोजेक्ट है। दोस्तों माइक्रो प्रोजेक्ट के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि आपको 4-5 या 3 से 4 बच्चों का ग्रुप बनाना है, और फैकल्टीज आपको जो थियरी पढ़ा रही है तो उस थियरी में सेमिस्टर के 16 घंटे का वर्क रहे, इसी प्रकार आपको एक प्रोजेक्ट माइक्रो प्रोजेक्ट दिया जाएगा। तो आपको वो प्रोजेक्ट फाइनल जो सेमेस्टर खत्म होगा उस वक्त आपको सबमिट करवाना है, उसके 10 मार्क्स रहेंगे, हर मेंबर को 10 मार्क्स के इवेल्यूएट किया जाएगा। तो आपको टीम वर्क में काम करना है सेमेस्टर 1 से ही। जीटीयू में आपको इस बार हर कोर्स में एक माइक्रो प्रोजेक्ट करना है, तो 10 मार्क्स आपका हो गए माइक्रो प्रोजेक्ट के, जहाँ पे आपको आपके कोर्स के रिलेटेड एक हार्डवेयर बनाना है या कुछ भी ऐसे एक्टिविटी करनी है जो आपको फैकल्टी असाइन करेगी। आपको फैकल्टी से इनपुट्स मिलेंगे, आप अपना सजेशंस ले सकते हो, और आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है माइक्रो प्रोजेक्ट, उसके 10 मार्क्स हो गए। अदर जो 20 मार्क्स है जो हमारे 5 CO है, 5 कोर्स आउटकम है, उसको कवर करेंगे। आइडियली उसकी 2 एग्जाम जीटीयू ने कहा है, देर आर 2 एग्जाम्स
और उसका एवरेज लेना है। अगर फैकल्टी आपको ज़्यादा ट्रेन करना चाहती है, ज़्यादा एग्जाम्स लेगी, ज़्यादा और पर सीओ एग्जाम लेगी, तो अल्टीमेटली जो 5 सीओ की एग्जाम डिफरेंट होगी, यहाँ पे उसमें से 20 मार्क्स बनेंगे। 5 कोर्स आउटकम जो 5 यूनिट है उसकी थियोरी एग्जाम के 20 मार्क्स इंटरनल एग्जाम में यहाँ जाएंगे, और ये 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट में। इसी प्रकार कंटिन्यूस असेसमेंट थियोरी में 30 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो आप देख सकते हो माइक्रो प्रोजेक्ट का बहुत ही महत्व है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इस बार हर कोर्स में आपको एक माइक्रो प्रोजेक्ट बनाना है, और ये टीम वर्क है, तो आपका सेमिस्टर 1 से ही टीम स्पिरिट डेवलप होना ज़रूरी है। और ये है ESE, ये तो आपको पता है कि एंड सेमिस्टर एग्जाम जो GTU लेता है सेमिस्टर खत्म होने पर, तो ये एंड सेमिस्टर एग्जाम है। आपको 70 मार्क का थियरी एग्जाम देना है जो हमारी यूनिवर्सिटी लेंगी, एक्सटर्नल एग्जाम जिसे हम कहते हैं थियरी। तो ये 70 + 30 100 मार्क्स आपका हो गया। अभी ये जो है प्रैक्टिकल मार्क्स CA और ESE, CA का मतलब कंटिन्यूस असेसमेंट और ESE का मतलब एंड सेमिस्टर एग्जाम। अभी समझो आप मेरी बात को, आप कि CA आपका लेबोरेटरी में कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन होगा, जो आपके रेगुलर प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है वो ऑब्जर्व की जाएगी, और एंड सेमिस्टर में फैकल्टी आपका सबमिशन करते हैं, आपको प्रैक्टिकल करवाने देते हैं। तो ये बेसिकली दोनों मिलाकर ESE आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट है और CA आपका इंटरनल कंपोनेंट है। ये दोनों आपके साइकोमोटर डोमेन चेक करते हैं। साइकोमोटर माने आप एक मतलब समझिए कि ये जो 70 + 30 ये आपकी थियोरी है जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। तो ये आपका सिर्फ थियोरी ही असेस करेगा, लेकिन आप प्रैक्टिकली एज एन इंजीनियर आप पढ़ रहे हो, तो आप प्रैक्टिकली क्या कर रहे हो लेबोरेटरी में, आप इक्विपमेंट पहचान रहे हो, इंस्ट्रूमेंट पहचान रहे हो, उसका सही यूज कर रहे हो, तो वो सारे चीज़ें हैं वो आपका साइकोमोटर डोमेन के अंदर आता है। तो आपके जो 50 मार्क्स है असेसमेंट के वो साइकोमोटर डोमेन में जाते हैं, जिसके असेसमेंट के लिए रूब्रिक्स बनाए जाते हैं। आपके फैकल्टी आपको रूब्रिक्स बताएंगे। रूब्रिक्स का बेसिक मतलब यही है कि आप कैसे इक्विपमेंट के साथ हैंडल करते हो, इक्विपमेंट यूज करते हो, इक्विपमेंट आइडेंटिफाई करते हो, प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लेते हो। इसी प्रकार काफ़ी सारे क्राइटेरिया होते हैं और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपको असेसमेंट किया जाता है। थियरी में आपको पता चलता है ये सही है ये गलत है, लेकिन फैकल्टी जब प्रैक्टिकल करवा रही है या आप लोग ग्रुप में जब प्रैक्टिकल कर रहे हो, तब आपको असेसमेंट करने के लिए रूब्रिक्स बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार आप देख सकते हो कि यहाँ पे थियरी और प्रैक्टिकल मिला के टोटल 150 मार्क हमारा टीचिंग स्कीम है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम कंटेंट की तरफ जाते हैं। कंटेंट हमारा जो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीसी सर्किट्स, तो इसका कोर्स आउटकम है सोल सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूजिंग बेसिक सर्किट लॉज। तो इसके कंटेंट्स देखेंगे, ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है, आपको कह सकते हो कि आपको सिर्फ रिकॉल करवाया जाएगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्कूल लेवल पे पता होगी, उसको थोड़े अपर लेवल पे लाया जाएगा। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, EMF, करंट, पावर, एनर्जी, जो हमारे बेसिक पैरामीटर्स है वो पैरामीटर के बारे में आपको समझाया जाएगा। टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी, आप कंडक्टिविटी के बारे में कहते हो कि कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, तो उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, जो हमारे आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3 कोर कंपोनेंट कौन से, तो R, L and C, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो ये तीनों कंपोनेंट को आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, आपको ये तीनों कंपोनेंट अलग अलग तरह से यूज करने हैं, तो उसके बारे में हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रजिस्टर इन इफेक्ट ऑन ऑफ टेम्परेचर, आपके रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया जाएगा, रजिस्टर किस प्रकार बिहेवियर देता है, टेम्परेचर की कैसी इफेक्ट होती है, टेम्परेचर कॉफिशियंट किसे कहा जाता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट के क्या मायने हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट के क्या मायने हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। और टेम्परेचर कॉफिशियंट के बेस पे या टेम्परेचर के चेंज के बेस पे रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करता है वो आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। बेसिक लॉज लाइक ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ, जूल्स लॉ, आपके जो ओम्स लॉ आपने शायद स्कूल में पढ़ा हुआ है, तो ओम्स लॉ आपको यहाँ पे रिकॉल किया जाएगा और यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाया जाएगा। किरचॉफ लॉ है जो हम नेट डिफरेंट सर्किट कनेक्ट करेंगे तब आपको आइडिया आएगा, सीरीज पैरेलल थोड़ा
आएगा वो हम देखेंगे, जूल्स लॉ। तो ये सारे लॉज है वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ पावर एंड एनर्जी, दोनों के बीच का फर्क क्या है, दोनों कैसे मायने रखते हैं, हम लोग रेगुलर लाइफ में किस प्रकार इसका यूज करते हैं, ये आपको बताया जाएगा। और इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ऑन एनवायरनमेंट, ये एक बड़ी चीज है, ये आपके लिए समझो कि ये आपका जो ग्रीन कंसेप्ट है उसको आप समझ सकते हैं, उसके रिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ऑन एनवायरनमेंट, हमको एनवायरनमेंट पे, एनवायरनमेंट के ऊपर कैसी असर होती है वो हमको समझना है, इसीलिए ये लास्ट कंटेंट है वो हमने ऐड किया गया है हमारे लिए, यहाँ पे ऐड है। तो ये यूनिट वन हो गया आपका। यूनिट टू देखते हैं, नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स। मैंने आपको बताया थर्ड यूनिट नेटवर्क थियरम है, सेकंड यूनिट नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक है। सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट यूजिंग डिफरेंट नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स और एनालिसिस। कंटेंट देखते हैं, बहुत ही इसके बेसिक कंटेंट्स है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ नोड, ब्रांच, लूप, मेश, ओपन एंड क्लोज सर्किट। आपकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स आप ऐड करते हो तो उसके लिए हर पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए वहाँ पे नोड ब्रांच ऐसी टर्मिनोलॉजी दी गई है। तो हर शब्द का एक अर्थ रहेगा, नोड ब्रांच लूप मेश वो आपको समझाया जाएगा कि नेटवर्क आप अगर समझते हो तो किस भाग को, किस सेक्शन को क्या बोला जाएगा वो आपको समझाएंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स, आपके रेजिस्टर्स में सीरीज पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस प्रकार होता है वो समझेंगे हम लोग। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स, तो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे यहाँ पे। नोड एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस, ये बहुत ही एसेंशियल थियरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ये भी हम लोग समझेंगे। और कंसेप्ट ऑफ ड्यूअलिटी सिमिलर, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये भी समझाया जाएगा। अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ पे छोटी छोटी टेक्निक्स है, यहाँ पे आइडियाज डिस्कस किए गए हैं, यहाँ पे आपको कोई थियरम नहीं समझाया गया है। तो सेकंड यूनिट आपके आइडियाज के लिए है कि आप किसी भी नेटवर्क को कैसे ऑब्जर्व करोगे वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा, सेकंड यूनिट में नेटवर्क सॉल्यूशन टेक्निक्स। थर्ड यूनिट देखते हैं, यूनिट थ्री है हमारा नेटवर्क थियरम्स। सॉल्व सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यूजिंग नेटवर्क थियरम्स। नेटवर्क में कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल नेटवर्क। मैंने आपको कहा कि डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को एक साथ में जोड़ दो तो नेटवर्क बनता है, तो वो नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, एक्टिव के कब कहेंगे, पैसिव कब कहेंगे, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, ये सारी चीजें आपको समझाई जाएगी। सुपर पोजिशन थियरम, थेवेनिन थियरम, नॉर्टन थियरम, ये थियरम है, ये तीन थियरम और भी काफी सारे थियरम्स है, लेकिन ये बिल्कुल आपके लिए एसेंशियल है क्योंकि सर्किट सॉल्यूशन में इसका मैक्सिमम यूज होता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन और सॉल्यूशन ऑफ गिवन नेटवर्क्स यूजिंग डिफरेंट थियरम्स। तो ये समझो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, नेटवर्क थियरम्स वाले यूनिट में आपको बताया गया है कि नेटवर्क किस प्रकार के हो सकते हैं, एक्टिव, पैसिव वगैरह वगैरह, वहाँ पे कौन से थियरम अप्लाई किए जा सकते हैं, वहाँ पे सर्किट को सॉल्व करने के लिए स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन या का कैसे यूज कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ों को लेकर आपको एग्जाम्पल में प्रैक्टिस करनी है, आपको डिफरेंट नेटवर्क सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, वो आपको सिखाया जाएगा। यूनिट फोर है कैपेसिटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, इंटरप्रेट वर्किंग ऑफ द कैपेसिटर बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल। कैपेसिटर आप लोग बेसिक पढ़े हुए हो कि दो कंडक्टिंग प्लेट को डाइलेक्ट्रिक मीडियम से आइसोलेट करो तो कैपेसिटर बनता है, हमको पता है, तो यहाँ पे उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, कैपेसिटर का बेसिक आइडिया देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटर्स देखेंगे, सॉरी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर देखेंगे, कैपेसिटर चार्ज कैसे होता है, डिस्चार्ज कैसे होता है, कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज कैसे होती है वो हम लोग समझेंगे। सीरीज पैरेलल कनेक्शन करके देखेंगे, जैसे रजिस्टर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन किया है, और बेसिक्स ऑफ बैटरी, बैटरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी ई व्हीकल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, तो हम लोग
अभी से इसको समझेंगे तो आप अगर इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपको सही में रखना चाहिए। तो बैटरी के बारे में आपको समझना है, और बैटरी आ गई तो हमारा जो वापिस एनवायरनमेंट अप्रोच जो है, जिसको हम एनवायरनमेंट बेस्ड अप्रोच कहेंगे, तो रिसाइकलिंग कैसे करते हैं, बैटरी है उसको डिस्पोज कैसे करते हैं, कैपेसिटर और बैटरी दोनों को, वो हम लोग यहाँ पे कुछ उसके पॉइंट्स थियरी में देखेंगे। तो ये आपका यूनिट 4 हुआ, जहाँ पे हम कैपेसिटर का बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके डिफरेंट कनेक्शंस देखेंगे, उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग, और बैटरी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, और कैसे उसको डिस्पोज करते हैं इसकी आइडियाज हम लोग लेंगे। ये यूनिट 4 हो गया। ये आपका लास्ट यूनिट है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसका कोर्स आउटकम है इंटरप्रेट वर्किंग ऑफ इंडक्टर बेस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल। आपको इंडक्टर का वर्किंग जो है वो उसका सम उसको समझना है, इंटरप्रेट करना है। तो यहाँ पे आप कंटेंट्स देखोगे तो आपको मैग्नेटिज्म्स के पैरामीटर्स डिस्कस किए जाएंगे, काफ़ी सारे जो बेसिक है फ्लक्स वगैरह वो यहाँ पे समझाए जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिकल में करंट है, मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स होता है, आपको दोनों सर्किट कंपेयर करनी है। ये बहुत ही एसेंशियल चीज़ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों का कंपेरिजन करना, ये आपको समझना है। दोनों में फर्क क्या है, सिमिलरिटीज क्या है, वो आपको समझना पड़ेगा। और फेराडेज लो, लेंज लो, ये भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, वो भी यहाँ पे आएगा। और कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे हम लोग आप कह सकते हो कि पावर सिस्टम के बेसिक फंडामेंटल्स हम लोग यहाँ पे से शुरू होंगे, और आप जब पावर सिस्टम पढ़ोगे आगे तो आपको ये इंडक्टेंस का यूज़ वहाँ पे करना है, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसका बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट में उसका यूज आता है, आप उसको समझोगे। बेसिक्स ऑफ इंडक्टर्स एंड सीरीज पैरेलल कनेक्शंस ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर कैसे वर्क करता है, उसके सीरीज पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो क्या इम्पेक्ट आएगा, और एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो ये आपका लास्ट यूनिट है। आपको हमने क्या समझाया, आपको समझाया कि व्हाट इज डीसी सर्किट्स, उसका इन्वेंशन हुआ तब से लेके क्या चेंज आए हैं, डीसी और एसी में क्या दोनों की थॉट्स में डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो समझाया हमने। ग्रीन करिकुलम के बारे में देखा हमने, आपके कंपिटेंसी देखी कोर्स की, कंपिटेंसी के बाद कोर्स आउटकम देखा, और हर कंटेंट में, हर यूनिट में क्या क्या आपके सब टॉपिक्स और टॉपिक्स आते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये आपके लिए इंट्रोडक्शन था। आई होप आप सभी लोग खूब अच्छा पढ़ोगे और अच्छे तरह से अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। बेस्ट ऑफ लक एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। थैंक यू।